हाई एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो यार, रिसेशन और लेऑफ से अपना ध्यान थोड़ा सा हटाते हुए लेट अस टॉक अबाउट प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बहुत ही जल्दी हायरिंग स्टार्ट कर देंगी एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड एट दी एंड आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू रिगार्डिंग आवर प्लेटफॉर्म, तो वो सुनते सुनते जाना। सो लेट अस स्टार्ट विद दोज जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करी है, जिन्होंने कभी कोड नहीं लिखा है, या फिर ट्राई किया एंड फेल हो गए हैं। सो मुझे इस चीज़ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी एक साल छोटी सिस्टर, शी इज़ इन माइक्रोसॉफ्ट राइट नाउ, तो उसका कोडिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था। इन स्कूल शी हैड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, और कॉलेज में आकर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसे कोडिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो हमने शुरुआत करी विद अ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने C++ सेलेक्ट किया था, बाकी यू कैन सेलेक्ट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू वॉन्ट। ऑप्शन है आपके पास C++, जावा, पाइथन, JavaScript भी इफ़ यू वॉन्ट टू डू विथ JavaScript। तो हमने स्टार्ट किया विथ YouTube लेक्चर्स, बहुत ही सिंपल बेसिक YouTube लेक्चर्स। एक चैनल है फ्री कोड कैंप नाम का, जहाँ पर आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। सो वी स्टार्टेड विद द लेक्चर्स, बट एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेक्चर्स के साथ साथ आप लोगों को कोडिंग भी करनी है। जो भी लेक्चर में बताया जा रहा है एज इट इज़, यू हैव टू कोड अलॉन्ग विद दैट लेक्चर, ठीक है। वंस डन विद दिस, वी आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन इसको करने में टाइम कितना लगेगा? सो इट यूजुअली टेक्स अराउंड 30 डेज, एट मैक्स 40 डेज टू कंप्लीट द बेसिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस। एक महीने बाद आप लोग अच्छे से कोड लिखने लग जाएंगे, आपको सारे फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्विच केस, सारी कंडीशंस वगैरह क्लियर हो जाएंगी, देन यू आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यार, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, यू कैन गो विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ऑप्शन नंबर टू इज डेवलपमेंट, जहाँ पर आप लोग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। I would highly recommend you to start with data structures and algorithms. उसका सिंपल सा रीज़न है, बहुत सारी कंपनीज का सिलेक्शन क्राइटेरिया इज DSA, मतलब इंटरव्यूज में आपसे DSA के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड रीज़न इज, आप लोगों को DSA सीखने में, DSA मास्टर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो द अर्ली दैट यू स्टार्ट द बेटर इट इज़ फॉर यू। सो स्टार्ट विद DSA। अब DSA स्टार्ट करने से ना बहुत सारे लोगों को डर लगता है। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, बीच में छोड़ दिया होगा, ये बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। लेकिन यार, ये चीज़ ना बहुत सिंपल बन जाती है इफ़ यू हैव द राइट प्लान, इफ़ यू नो कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो सब कुछ डिस्कस करते हैं। हमें बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करना है, दैट्स व्हाट आई रिकमेंडेड माय सिस्टर। शी ऑल्सो स्टार्टेड विद डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज। ये चार बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। और एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल अगेन इज माई कोड स्कूल टू स्टार्ट विथ। बहुत ही बेसिक से आपको सिखाया जाएगा वहां पर सब कुछ, एंड यू विल बी गुड विद दीज टॉपिक्स। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलोंग विद दीज टॉपिक्स, साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए यू हैव सेवरल प्लेटफॉर्म्स। वन गुड प्लेटफॉर्म इज कोर्स स्टूडियो। सो यू कैन गो टू कोर्स स्टूडियो। कोर्स स्टूडियो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। यू कैन इवन सॉर्ट क्वेश्चन कंपनी वाइज। लेकिन यहां पर मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है, एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाई हुई है, द क्वेश्चन दैट आई सॉल्व, द क्वेश्चन दैट माई सिस्टर सॉल्व ड्यूरिंग हर प्रिपरेशन, ठीक है। हर एक टॉपिक के शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन हैं। इट इज़ द DSA शीट बाई फराज। यू कैन गो टू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कोर्स स्टूडियो पर जाकर के यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन। बाकी यू कैन हैव अ लुक कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं इन ऑल दी फोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम हियर। देन यू कैन स्टार्ट विद बेसिक एल्गोरिथम्स सच एज सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्रीडी, रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। इनके क्वेश्चन भी आपको अगेन शीट में से मिल जाएंगे। देन यू कैन मेक अ ट्रांजिशन टूवर्ड्स डिफिकल्ट टॉपिक्स, जिनको हम डिफिकल्ट बोलते हैं, बट अगर आपने ये बेसिक टॉपिक्स अच्छे से किए हुए हैं देन आपको वो टॉपिक्स डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ट्रीज अगेन वेरी इजी टॉपिक अगर आपको रिकर्जन अच्छे से आता है तो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगेन इट्स वेरी इजी इफ यू नो रिकर्जन वेल, ठीक है। देन ग्राफ, ये सारे टॉपिक्स आपके हार्ड कंसिडर होते हैं बट अगर हमने बेसिक्स अच्छे से क्लियर किए हैं तो ये भी आपको ईजी ही लगेंगे, ठीक है। तो यार, ये तो हमने बात कर ली कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस ऑर्डर में पढ़ने हैं। अब यार, हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड हाउ टू प्रैक्टिस। तो यार देखो, मैंने आपको DSA शीट दे दी है। DSA शीट इज द बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू डू। उतने क्वेश्चंस तो आपको करने ही है हर एक टॉपिक के, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। अब यार, कॉन्टेस्ट क्या होते हैं? तो बेसिकली 1 आवर का 1.5 आवर का आपका एक काइंड ऑफ टेस्ट होता है जिसमें और भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 3 या 4 आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSA के एंड यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन। अब इसमें लोग इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि लोगों को लगता है कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो पहले पूरा DSA कर लेंगे उसके बाद पार्टिसिपेट करेंगे, और एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट,
ठीक है। यही एडवाइस मुझे मेरे सीनियर से मिली थी और यही एडवाइस मैंने अपने सिस्टर को पास ऑन करी है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पास ऑन करी है। यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। सो टू स्टार्ट विथ, मैंने आपके लिए एक छोटा सा कॉन्टेस्ट कंडक्ट करवाया है। इट्स अ 2 आवर लॉन्ग कॉन्टेस्ट। ये 15th of February को होने वाला है, 7 to 11, 4 घंटे का आपके पास टाइम होगा, जिसमें से 2 घंटे निकाल के ये कॉन्टेस्ट देना है आपको। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइजेज हैं फॉर द विनर्स। और एक और चीज़, जो भी विनर्स होंगे आई विल सेलेक्ट देम टू वर्क विथ मी ऑन माई वेबसाइट। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट, जा करके ज़रूर एनरोल कर लो आप लोग, ठीक है। अब यार कॉन्टेस्ट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है अपसॉल्विंग। अपसॉल्विंग क्या होता है? अपसॉल्विंग इज सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस जो कि आपसे कॉन्टेस्ट में नहीं हुए, राइट। सो यू हैव टू लुक एट ईच अदर सॉल्यूशन, लर्न फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन हमने कर लिया राइट, लेकिन हमने ऑप्टिमली नहीं किया। सो इन दैट केस वी लर्न फ्रॉम अदर्स, उन्होंने कैसे किया हुआ है, क्या अप्रोच यूज़ किया है, उनका कोड कितना क्लीन है। सो दिस इज कॉल्ड अपसॉल्विंग एंड यू मस्ट डू इट। हो सकता है कि कॉन्टेस्ट में आपसे 4 में से सिर्फ 1 प्रॉब्लम हुआ राइट, बाकी 3 क्वेश्चंस के लिए ट्राई टू सॉल्व देम आफ्टर द कॉन्टेस्ट, यही तो लर्निंग है। ऑल राइट, सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन विथ DSA, ओनली रिविजन इज रिमेनिंग। तो यार रिविजन का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आपने एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर सीखा है, उसको सीखते सीखते जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, मेक नोट्स इन दोज क्वेश्चंस, ठीक है। उस क्वेश्चन में नोट्स बना लो कि हाउ यू अप्लाइड दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम, हाउ यू अप्लाइड अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, एंड यूज दोज क्वेश्चंस एज रिविजन क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन को सॉल्व करके यू विल बी एबल टू रिकॉल वॉट एवर यू हैव लर्न्ड। नाउ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पे आते हैं। तो यार डेवलपमेंट में आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं राइट। आई वेंट विथ वेब प्रोजेक्ट, मेरी सिस्टर ने भी वेब के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे। नाउ दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मोबाइल एप्लीकेशंस कैन गो विद iOS या फिर एंड्रॉयड एप्स। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन AI मशीन लर्निंग, दे कैन मेक मशीन लर्निंग बेस्ड ML बेस्ड प्रोजेक्ट्स राइट। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स कैन मेक रोबोटिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। एंड दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, दे कैन मेक सम गुड प्रोजेक्ट्स यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। बाकी यार इस टॉपिक को मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी एंड आप लोग इस चीज़ को अप्लाई भी करेंगे अपनी अपनी प्रिपरेशन में। तो यार जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कॉन्टेस्ट में आप लोग अप्लाई कर लेना। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।